गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं निन्नटि क्लास लो सिक्स्थ क्लास आरो तरगति संबंधी तेलुगु सेकंड लैंग्वेज पाठं पेरु पडव पा द व पडव पाठं गुरिंचि तेलुसुकुन्नां कदा बेटा ई पाठं निन्न मनम ई पाठं अंटे पडव नीटिलो वेल्तुंदि పడవలో అందరు పెళ్లి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు అక్కడ ఒడ్డున ఉండి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ పడవలో పడవ నడిపించే ఆయన పాట పాడుతూ ఉంటే వీళ్ళు పాడుకుంటూ ఆనందంగా నవ్వుకుంటూ వెళ్తున్నారు అని చెప్తున్నాం కదా బేట చూడండి ఈ పాఠం చూడండి వినండి మాట్లాడండి పాఠం బొమ్మలో ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి చెప్పిన కదా ఆల్రెడీ ఆ పాఠంలోని బొమ్మలు పడవ నడుపు వాళ్ళ పాట పాడుతూ ఉన్నాడు పడవలో కూర్చున్నారు మరికొంతమంది ఒడ్డున నుంచి పడవ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అని కూడా చెప్పారు కదా సెకండ్ ఆ ఏంటి పడవ కాకుండా ఇంకా వేడిలో ప్రయాణం చేస్తాము మనం ఎక్కడ ప్రయాణం చేయాలంటే పడవ కాకుండా ఇంకెళ్ళ వెళ్తామని చెప్పాను రైలు కారు బస్సు విమానం ఓడ ఏంటో కనుగొనండి పిక్చర్స్ అనిపిస్తున్నాయి కదా మనము పడవ కాకుండా ఎందులో ఇగో రైలు అంటే ట్రైన్ ఏరోప్లేన్ బస్సు కార్ షిప్ అర్థమైంది కదా బస్సు ఏరోప్లేన్ కార్ షిప్ అండ్ ట్రైన్ ఈ ఐదుట్లలో కూడా మనము ప్రయాణము చేయవచ్చు ఇక్కడ సెకండ్ మీ ఫస్ట్ మీ టైప్ కదా సెకండ్ మీ చూడండి వెళ్ళి ఏం చిట్టు చదవండి చదవండి అక్షరాలను పాఠంలో గుర్తించండి వాటికి సున్నా చూపండి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ పోయం రాస్తున్నాం కదా మనం ఇక్కడ పోయం రాస్తున్నాం పోయం రాస్తుంటే మీకు అది అర్థమైంది సరేనా అలలపై సాగింది అందాల పడవ
सरगा मैं सरना इप्ड सैकंड बिट चुदा ओकेना नैक्स्ट पेजी सीट नैक्स्ट पेज बेटा नैक्स्ट पेजी सीटी चदवी चवी चवी कदा चूँ कदा कि अक्षर पाठ गुर्ति वाट की सुना चुटी अक्षर पाठ गुर्ति पाठ गुर्ति वाटी सर्किल सुना चुटी अंत सर्किल चुटी कटर्स इच्छा फाइव इवे पाठ चूड़ी फस्ट लेटर चूडी कदा फस्ट लेटर इकोप सर्किल सैकंड दिल्ली सर्किल चयी पेंसिल तो ओ
ఆ
सभी को शुभोदय। छठवीं कक्षा का स्वागत है। चौथा लेसन अक्षरों का महत्व, इसका लेटर है गुणकर मूल्य। अक्षरों का महत्व, अक्षर बोले तो क्या है बेटा? लेटर्स। अक्षर बोले तो लेटर, एक एक अक्षर मिलकर क्या हो जाता? एक शब्द बन जाता। शब्दों का समूह से थोड़ा शब्द मिलकर क्या हो जाता? शब्दों का समूह से एक वाक्य बन जाता। अक्षरों का समूह से अक्षरों का महत्व, अक्षरों का महत्व बोले तो ग्रेटनेस बेटा, इम्पोर्टेंस। अक्षरों का कितना इम्पोर्टेंट है ना? अक्षर नहीं है तो हमको, अक्षर बोले तो एक एक अक्षर, देखो ऐसा आ एक अक्षर है, छा एक अक्षर है, रा एक अक्षर है। अक्षरों का महत्व, अक्षरों का महत्व। अक्षर नहीं है तो पढ़ने को नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अब ये पुस्तक पढ़ रहे बोले तो अक्षर पढ़ने को आए तो एक एक अक्षर मिलकर ये पुस्तक बनी है, इतना बड़ा पुस्तक बनी है। अक्षरों का मिलन से ये पुस्तक बन गई है। देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रही है, चित्र में क्या दिखाई? एक घोड़ा है, घोड़ा जैसा एक जानवर है, औजर है, और ये अंक है, अंक दिखेसो है। और ये अनुमान लगाओ कि यहाँ चित्र कब बनाया होगी? ये चित्र कब बनाया बेटा? आदिमानव काल से, आदिमानव काल का है, औजर है, घोड़ा जानवर है, और वो अंक है, अंक चपे हैं। ये कैसा है? ये दंडौलत पुराने काल से ऐसा धरोहर का संभाल कर रखने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? पुराने जमाने में, आदिकाल में, प्राचीन काल में क्या है कि किसी को अक्षरों का पहचानना मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। प्राचीन काल में क्या करते? उनका पकाना भी, खाना खाना कुछ भी मालूम नहीं है। क्या रहते पहले पुराने जमाने में? ऐसा घर नहीं है, पाठशाला नहीं है पढ़ने के लिए, गुफाओं में निवास करते हैं, गुफाओं में वास करते हैं। और क्या खाते उन लोग? वस्त्र कपड़े बुनने का भी नहीं मालूम, इसलिए क्या पहनते उन लोग? वस्त्र के बदले उन पेड़ का पत्तों को तोड़कर वो भी वस्त्र जैसा पहन लेते। पत्थरों से आग बनाकर उसमें पेड़ से क्या मिलता? फल, कच्चे आम को वो तोड़कर खाते थे। उनका आग बनाना, वो घर बनाना भी मालूम नहीं, इसलिए गुफाओं में बसा करते हैं। जंगलों में कहाँ रहता गुफा? जंगलों में रहता। उनको पढ़ने लिखने का भी कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। अब पाठ में जाएंगे। अक्षरों की कहानी, किसकी कहानी बेटा? अक्षरों का महत्व, अक्षरों का कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, तरह तरह के पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। कैसा है पुस्तक? अक्षरों की कहानी, अक्षरों से बनी है। ये पुस्तक किससे बनी है बेटा? अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, सभी पुस्तक अक्षरों से बनी है। तरह तरह के पुस्तकें, कितना तरह तरह के पुस्तक देखो, वैरायटी वैरायटी बुक्स भी किससे बनाते? अक्षरों से बनती है, तरह तरह अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। दुनिया में अब तक कितने पुस्तकें छपी है? करोड़ों पुस्तक छपी है, वो पूरा किससे बनी है? अक्षरों से बनी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। क्या करते? करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, है ना? हजारों पुस्तकें छपती, क्यों बोले तो हजारों बोले तो क्या है? थाउजेंड्स, हजारों बोले तो थाउजेंड्स। खोज बोले तो इन्वेंशन, इन्वेंशन। अक्षर बोले तो लेटर्स, अक्षर बोले तो लेटर्स, लेटर्स। महत्व ग्रेटनेस, महत्व बोले तो ग्रेटनेस, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस। ओके,
हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। समाचार पत्र बोले तो क्या है, न्यूज़पेपर। क्या करते रोज, कितना रोज तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। प्रिंट होते ना समाचार पत्र, रोज रोज का समाचार आ जाता, वर्ल्ड का न्यूज पूरा सबका, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक जिला का, गांव का, कोने कोने में है गांवों का, सबका समाचार आ जाता समाचार पत्र में, रोज मुद्रित करते वो छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। ये सब छपना बोले तो क्या होना, अक्षर होना। अक्षरों का इम्पोर्टेंट कंपल्सरी है, अक्षर नहीं है तो कैसा छपता। समाचार पत्र में भी अक्षर रहता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आपने अक्षरों को ना जानता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना बोले तो सपनों में, सपनों में भी नहीं कर सकते कल्पना भी। अक्षरों को ना जानता, अक्षरों को नहीं जाने तो कैसा रहता हमारा बालक ये दुनिया पर। तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता है, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कहते थोड़ा जन कहते हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते, जानते अनादिकाल से नहीं जानते। अक्षरों का ज्ञान हमें किसे, ईश्वर से मिला है। ईश्वर बोले तो गॉड, ईश्वर बोले तो गॉड है, ईश्वर से मिला बोल के बोलते, ईश्वर बोले तो गॉड, गॉड से मिला। अक्षरों का, अक्षरों का कोष पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने के काल के व्यक्ति क्या सोचते, अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। क्या बोलते थे, अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, कौन किया, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यहाँ भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुआ, किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। हमारे यहाँ धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारा धरती कितने साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। कब तक, अरब साल तक, 3 अरब साल तक, 2-3 अरब साल तक कोई भी जीव जंतु नहीं है इसमें। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। किसका है, करोड़ों साल तक केवल कौन है इस धरती पर, जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। वनस्पति बोले तो प्लांट्स बेटा, पौधे, वनस्पति, वनस्पति बोले तो प्लांट्स, पौधे, पौधे प्लांट्स, प्लांट्स। करोड़ों साल तक जानवरों और जानवर बोले तो एनिमल्स, वनस्पति बोले तो प्लांट्स, इसका धरती पर इसका ही राज्य रहा। मानव नहीं है जब आदमी नहीं है, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कब जन्म लिया, 5 लाख साल पहले मानव ने जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, विकास बोले तो इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे उनका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसना शुरू किया, 10,000 साल पहले गांव में निवास करना शुरू किया। पहले गांव में नहीं रहता था, कहाँ रहता, जंगलों में रहता था। पेड़ पौधों से पत्ते निकालकर उसको कपड़े पहनना भी नहीं मालूम, पकाना भी नहीं मालूम, पेड़ का फल तोड़ के वही खाके उनका जीवन बिताते थे। उनका कपड़े बुनना भी नहीं मालूम, घर में भी बसना नहीं मालूम, इसीलिए गुफाओं में, जंगलों में, गुफाओं में बसता था। अब कब शुरू हुआ, 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वहां खेती करने लगा। जब क्या किया, खेती करने, खेती बोले तो फील्ड, क्राफ्ट, फार्मर, फार्मर का काम करने लगा। वहां पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, पत्थरों का औजारों का, पत्थर रहते ना उसका यूज करते, इस्तेमाल करे तो यूज करना। फिर उसने तांबे कांसे के भी औजार बनाए, तांबे पीतल रहते ना, तांबे कांसे,
उसका भी औजार, औजार बोले तो टूल्स, आयुध, औजार, औजार बोले तो टूल्स, आयुध, औजार बना है। प्रगति प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। मानव कैसा किया, उसका भाव व्यक्त करने का कैसा किया उनको, लोग एक पिक्चर में है देखो, एक रोबो पिक्चर है, उनको बनाते बनाते उनको मन नहीं रहता, उनका भाव प्रकट करने का नहीं रहता, क्या करो बोले तो वो कर देते, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता। मानव भी क्या हुआ, सबसे पहले चित्रों के जरिए अपना भाव व्यक्त किए, चित्र उतार कर उसका भाव व्यक्त किए। इधर देखो कैसा चित्र उतार रहे, चित्र उतार कर उसका भाव व्यक्त किया। इधर भी देखो कैसा निकाले चित्र उतारे, चित्रों के अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। कौन सा चित्र बनाया, पशुओं का, पक्षियों का और आदमी आदि के चित्र बनाया। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इन चित्रों के संकेत से चित्र बनाने पर आदमी का चित्र, पशु पक्षियों का चित्र बना के उनका भाव व्यक्त करने शुरू किया, जब बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आ गए, जीवन जीविका बन गए। जैसे एक छोटे वृत्त के चाकू और किरणों की घोतक रेखा या खींचने पर वहां सूर्य का चित्र बन जाता है। क्या किया ये एक छोटे वृत्त के चाकू कैसा ऐसा निकाले, पहले कैसा करे ऐसा एक छोटा वृत्त निकालो, वृत्त निकाल के संकेत दिया, कौन सा ये क्या है, एक वृत्त गोलाकार है, ऐसा गोलाकार निकाल कर क्या किया, ऐसा चित्र बनाए, ऐसा ऐसा ये क्या है बेटा, यार क्या हो जाता सूर्य, ऐसा चित्र उतारे उनको। आदि मानव गुफाओं में रहते ना, पहले मानव आदमी ऐसा एक वृत्त लगाकर ऐसा सूर्य जैसा चित्र उतारे, ऐसा क्या कहते बेटा सूर्य, इसका संकेतों के द्वारा इन्हों ऐसा चित्र मनुष्य का, पशु का चित्र उतार कर उनका भाव व्यक्त करने शुरू किया। ऐसा भी एक चित्र उतारे, ये मानो धूप, सूर्य से क्या आता हमको धूप आता, सूर्य नहीं है तो क्या होता बेटा, अंधेरा हो जाता, पूरा अंधेरा हो जाता। ऐसा ऐसा एक चित्र उभारे, ये क्या है कैसा दिखाई पड़ रहा है, कौन सा चित्र है बेटा सूर्य, सूर्य है ना, सूर्य का चित्र बन जाता था। एक वृत्त के चाकू और किरणों की गोतक रेखा या ऐसा किरण लगाए, ऐसा क्या हो गया सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया, ताप या धूप। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, ऐसा उनका मन का भाव प्रस्तुत करने शुरू किया, इसका मन का संकेत अस्तित्व में आए। तब आकर जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, बाद में अक्षरों की खोज करी, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए। मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल, कितने साल हो गए बेटा। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए। मुश्किल से 6000 साल हुए, केवल 6000 साल हो गया अक्षरों का खोज करने का बाद, 6000 साल हो गया अक्षरों की खोज, कितने साल हो गया 6000 साल हो गया, कितने साल हो गया अक्षरों का खोज होके 1000 साल हो गया बेटा। अक्षरों का महत्व के बारे में जानकारी कर लिए ना, अक्षरों का कितना इम्पोर्टेंस है बेटा, कितना ग्रेटनेस है। प्राचीन काल में लोग कैसे रहते, प्राचीन काल में लोग कैसे रहते बेटा, प्राचीन काल में लोग गुफाओं में, जंगलों में रहा करते थे, जब घर नहीं ऐसा गांव में नहीं बसा करते, पत्थरों से आग बनाकर खाना पकाना शुरू किया। कैसा पत्थरों से आग बनाता, बनते आग ऐसा एक एक पत्थर रगड़ से आग बनाता, पकाना शुरू किया। घर तैयार करना मालूम ना होने के कारण
गर्मा तैयार करना मालूम नहीं है, इसीलिए कहाँ निवास करते हुए पेड़ों पर और गुफाओं में बसा। कपड़ा बुनना भी नहीं आने के कारण पत्तों की ही वस्त्र जैसा पहन लिया, पत्तों की भी वस्त्र पहनकर जीना शुरू किया। किस अक्षरों की खोज के साथ एक नया युग की शुरुआत हुई, अक्षरों की खोज के बाद एक नया युग का शुरुआत हुई। अपने अपने विचार और अपने हिसाब किताब की लिख कर रखने लगा। जब अक्षरों का पहचान होने के बाद, अक्षरों की खोज होने के बाद नया युग का शुरुआत हो गया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। जब मालूम हो गया तब से मानव सभ्य बन गया, तब से मानव एक सभ्य मानव जैसा, एक नागरिक जैसा बन गया। तो मानव ने सबसे पहले क्या किया, चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करने लगा। पहले कैसा है, चित्रों उतार कर उसका भाव व्यक्त करना शुरू किया, जैसे पशुओं पक्षियों आदमियों और आदि के चित्र। चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आ गया। चित्र संकेत होने के बाद भाव अस्तित्व में आ गया। उनका भाव व्यक्त करने के लिए चित्र उतार कर उनका भाव व्यक्त करते वो संकेतों के बाद वो आगे आगे क्या हो गया, उनका अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चूह और किरणों की दौड़ कर रेखाएं खींचने पर वहां सूर्य का चित्र बन जाता, ऐसा देखो ऐसा चित्र उभार कर सूर्य का चित्र उतार कर सूर्य का चित्र बन जाता था। ऐसा एक गोला लगाकर ऐसा किरणों के लिए तो ये क्या हो जाता, सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया, ताप या धूप का गोतक बन गया। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, तब जाकर क्या हुआ, अक्षरों की खोज की। इसके साथ एक नया युग की शुरुआत हुई, जब नया युग का शुरू हो गया। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, अक्षरों का खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अब ये पुस्तक बने बोले तो क्या है, अक्षरों से ही पुस्तक बनी है। समाचार पत्र में भी अक्षर है, हर एक मास पत्रिका रहता, साप्ताह में एक पत्रिका रहता, उसमें भी अक्षर रहता, सभी में अक्षर रहता। इस तरह वर्तमान समय तक परिवर्तन हुए हैं, अक्षरों के साथ एक नया युग की शुरुआत हुई, क्योंकि तब से ही मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अक्षरों का शुरुआत होने के बाद मानव को सभ्य कहने लगा। आदमी सबसे लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। मानव जब अक्षरों के लिखना शुरू किया तब इतिहास आरंभ हो गया, इतिहास बोले तो हिस्ट्री आरंभ हुआ। यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करे तो अब कैसा रहता, आज हम इतिहास का ना जान पाते, इतिहास को जानते नहीं जानते। अक्षरों का खोज करने पर नए युग का शुरुआत हो गया, अक्षरों का खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है ना। तो अभी अक्षरों का खोज करें, इसीलिए पुस्तक में अक्षर है, हम पढ़ रहे, पढ़ने का ज्ञान आया। अक्षर नहीं है तो कैसा रहता, वो कल्पना में भी नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए तो पाठ में ऐसा कहा गया, अक्षरों के साथ एक नया युग की शुरुआत है, इसलिए कहा गया अक्षरों का महत्व। अक्षरों के एक नया युग का शुरुआत होगा, शुरुआत होने तो आरंभ हो गया, नया युग का शुरुआत हो गया। अब अक्षरों की खोज का सिलसिला 6000 साल पहले मनुष्य चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किया। अक्षरों का खोज कब हुआ बेटा, 6 साल पहले मनुष्य चित्रों के अपने भाव व्यक्त किया। धीरे धीरे आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब लिखने के लिए इस्तेमाल करने लगा, मनुष्य के द्वारा पक्षियों के द्वारा। अक्षरों का ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों को तक पहुंचने के लिए ऐसा नया युग का शुरुआत हो गया। हम जिस तरह दूसरे आदमियों से बातचीत करते हैं अक्षरों का खोज से, उस समय केवल मौखिक भाषा का मुख्य स्थान होता है, केवल मौखिक रूपी भाषा के द्वारा ही
हम असली से काम कर सकते, आसानी से काम कर सकते हैं, इसीलिए मौखिक भाषा का जीवन में इम्पोर्टेंस है बेटा। इस वैज्ञानिक खोज के साथ उसका नाम भी जुड़ा होता है। प्राचीन काल में पहले मानव का पास कोई लिपि नहीं है, केवल चित्रों की मदद से भावों का प्रकट किया। पहले क्या है, कुछ भी लिपि लिखने का नहीं है, पहले कैसा व्यक्त करते उनका भाव, चित्रों के द्वारा उनका भाव व्यक्त किया। 6 साल कब शुरू हुआ बेटा, 6000 साल से इसका शुरू हुआ, अक्षरों का शुरुआत हुआ, अक्षरों का शुरुआत से एक नया युग आरंभ हो गया। होमवर्क बेटा, आज का होमवर्क क्या है, लेसन रीडिंग बेटा, होमवर्क लर्न लेसन फॉर टेक्स्ट बुक। धन्यवाद, अगले क्लास में। Previous class, Muni fixed the reading part, planned a tree. I explained the grammar part. I given some of this about the furniture. I explained here about the furniture, and you should write to whatever the things we will do with the help of this furniture. And also, I given for you homework as a medicinal plants. Are you completed this medicinal plants? There are book I sent to do. What are the medicinal plants which we are using? That I sent for you to complete it. And after finishing this here, he given the rewrite the following sentences. The first one I am going to explain here. Rewrite the following sentences as a single sentence. Use if at the beginning of the sentence. Two sentences will be given, ma, that you should combine and you should write it as only one sentence. What we should do for that purpose? Starting word should be if. See here. Work hard. You will get success. What is the answer? Starting letter should be what you should write? If. If you work hard, you will get success. Like that. He given some of the sentences, ma'am. By seeing that sentence, it was very easy. You should write it. Don't tease the dog, it will bite you. What is the answer? If you tease the dog, it will bite you. And one more example. Walk fast. What is the answer? If you walk fast, you will catch the bus. Nothing is there, ma, in this grammar part. Just you should add first as if, and the two sentences are he given in the indicating one of the full stop. By removing this full stop, if you add if in the starting point, you will get the one sentence. See here, if you walk fast, you will catch the bus.
सेम लाइक द टोरी ही गिवन हाउ मेनी टू वेट सेंटेंस जस्ट आई एम गोइंग टू रीड मा स्टडी रेगुलरली यू विल गो यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन यू रेस्पेक्ट टू अदर्स दे टू विल ऑल्सो respect you if you give respect to others they too will respect you just you should add give in the starting and you should continue the sentence and after finishing this he given the notice board ma government high school hyderabad green india survey by saying that you should write one of the secretary of the imagination and you should write some of the words in the notice board if you are going to do the annual day what you will do ma here announcement here what we will write here date and what we will write government high school means your school address here what is your school name Liberty High School Subhash Nagar what Nizam And what is there? This is informed to all the parents. Just I am reading, ma. This is informed to all the parents. We are going to celebrate our school day function. That is on the date you should write. And whatever the participants and our chief guests and the items what we are going to present on the school day. And that all you should write. And at last you are the secretary of the school and you are. Written the notice board yours faithfully my your name and class the roll number like this you should enterprise this notice board now listening and speaking ma you are a little boy and a kind tree listening and speaking in that a little boy And a kind tree. What happened? We are going to see. There is a story about a kind tree and little boy. The little boy played in the shade of the tree every day. The tree loved him very much. One day, the boy sat at the foot of the tree. There were tears in his ears. What happened? I think the tree was there, ma. Every day he used to sit in the shade of this tree, and one day also he sat like that only under the tree, and he was crying in the shade of that tree. Why are you crying? Asked the tree. Because I am hungry, said the little boy. The tree asked him, What happened? Why you are crying? By seeing like this, eyes will be also there. We can see. Eat my fruit, said the kind tree, and bent on one of its branches. The boy ate the fruits and was happy. The boy grew up. One day he sat under the tree. He was sad. Why are you sad? Asked the tree. I am going to marry, said the young man. But I have no house to build to live in. Cut down my branches, said the tree, and build a house. The young man built a house with the branches of the tree. The young man became a sailor. One day he sat under the tree. He looked unhappy. Why are you unhappy? Asked the tree. What happened? The boy, when he was at the age of below 10, he came and he sat here and he prayed that. What happened means the tree. He asked the tree asked means he replied that I felt so much of hungry and the branches it was bended and he given the fruits to the. Boy to eat like this and after so many years he grew up and he thought to marry a girl and what happened again he was very sad by sitting under the tree and again the tree was asked the question what happened the boy means what he replied I want to marry a for that purpose I'm not having any house to live in and again the tree what it was said
that I will cut off my branches and will build a house. Afterwards also, again after building the house, again he was sat under the tree and again he was crying. What happened? Because my captain is a bad man and cruel to me, said the sailor. I want to have my own ship. Cut down my trunk and build a ship, said the tree. The sailor built a ship on his own. The tree was gone. Only the stump was there. In 10 years, the sailor lost his ship. He came home. He was a helpless old man. One cold winter's day, the old man stood near the stump of the old tree. He leaned on his stick and trembled with cold. Make a fire out of me, said the stump of the tree, and warm yourself. The stump of the pine tree burned in the fire. What happened? From the boy onwards, he repeated, he given the fruits, afterwards branches, and afterwards he said that he will work in the near of the river, and he was a sailor. He used to travel the boats in the rivers. And what happened? The master of my boats, he was very bad person. He is not giving the work to me. And what the tree said, ma, you cut off my trunk and you take my trunk and you provide as a boat, like this boat, you prepare it, and with the help of that you can live very happily, it said. And he taken the trunk of the tree and he prepared the boat and he produced totally and he earned the amount. And after 10 years the sailor lost the boat also. And what happened? He became so much old, from boy to old person. And how much the tree was fast, only this part only remained, like this, the tree part. How is it before? Like this, it was very green and very happily it used to live. And it gave a total life to that boy only. At last, only the last part of the tree was there. Again, he came and he went here in the shadow as an old person. He came and he is lying, leaning to this tree. What happened? Again, she was asking, what happened to you? Why you are shivering like that? You became so much hard. Means she said that you take my wood and you keep the fire. I can, you will be very happy. At last, the tree became into ashes. By seeing this, what you understood, the little boy and the kind tree, the tree was very helpful to the person and the man and the woman things, and he is not having any kind heart. Only the tree is having the kind heart. Whatever he was asking, he gave totally, and at last he gave his life also to this person. See, ma, the little boy and the kind tree, he even did the correct answer. Who helped the little boy? Mother, the animals, a tree. Who helped, ma? Tree helped. I am going to marry. Who said these words? The captain, the young man, the old man. The young man said. What did the young man become? A sailor, a doctor, a captain. What he became? A sailor. What does the story tell us? Selfish giving, selfless giving, humanity. It was a humanity because the tree had the humanity for that purpose. It bended and he accepted whatever the boy was saying. Say whether the following are true or false. The young man helped the tree to grow well. No, it was false. How much it was going well when he was cutting the tree. The captain was a kind man. It was also false. The tree helped the little boy till the end. True. The tree was loving and affectionate. It was also true. In the page number 70, ma, look into your books, page number 70. The first fruit. One morning, a king went on horseback to the countryside. He came to a village and saw an old man in a field. The old man was digging the earth and planting mango saplings. He was working very hard. One morning, a king went on horseback to the countryside. The king, before that, how they used to ride a horse. And on the horse he was riding, he went and he observed in the village side one of the old man. He was
trees, means seeds. And he observed that man, he was looking and he was working very hard. King, good morning, my friend. You are planting these saplings. When you will get the fruit from them? He asked the question. Who? The king. Now you are going to dig the, and you are keeping the seeds like this, and it grows the plant. How many years it takes time to come upon the tree and also bearing the fruits? And old man, these saplings will be big trees in 10 or 15 years. They will bear fruits. And he replied that old man, the tree, whatever we are keeping the saplings, it will grow into the tree. Up to how many years it will come up fruits? 10 to 15 years, he said. King, but you are old and weak. You will die in a few years. You will not eat their fruit. And king was saying, up to 10 to 15 years means now you are sapling, digging the soil and you are keeping these mango saplings. And in from the few years, you used to die and you can't eat these fruits, he said. Old man, you are right, sir. I will not eat the fruit of these trees, but others will eat it. I am planting these saplings for them and I am happy. And what the old man replied, ma, I know that I won't eat these fruits, but the coming generation, they will enjoy the fruits of these mango saplings. I will feel very happy on that time. King, I am pleased with you, old man. You love other people. You are a good man. Please take this bag of money. It's for you. The king was very happy by listening the words, whatever the old man was speaking. And you are good. And you are waiting for others. And you are pleasing for others. And you are loving other people. And he given the how much gold, full bag of gold he given to that old man. Next, old man, thank you, sir. This bag of money is the first fruit of my little trees. He thanked the king and he said that it was the first fruit which I gave the fruits and it was the first gift for me, he said. See, now after finishing the first fruit, here be reading. If a tree could talk, just I am going to read out the poem. If a tree could talk, what would it say? Don't chop me down, just walk away. If a river could talk, what would it say? Don't dump in trash, throw it away. If the egg could talk, what would it say? The factories must learn to keep smoke away. If the animals could talk, what would they say? Help us to live, we wish to stay. If the earth could talk, what would it say? Protect me by making every day earth day. It is the poem about the environment. If a tree could talk, to speak, what it used to say? Don't chop me down, just walk away. Like this, the man was cutting a tree and it is coming the tears from the tree. And what it was saying, if he, it used to talk, it used to say, don't chop me down, just walk away, go from here. And next one, if a river could talk, what would it say? Don't dump trash to it away, because in the river so many people, they will trash the dumping. All the people, municipality people, if for example some members are there, whatever the pollution it is, they are throwing all the water bottles, trash, whatever the dust it is there. If they are throwing, means how the fresh water it remains all polluted. If the egg could talk, what would it say? The factories must learn to keep smoke away. And the hair is talking, means what it used to say. From the factories, how the smoke will come on, then the factories will be there. All smoke it comes from the chimneys and it goes into the air. And it says the air talks, means what it used to say. Stop the factories, it used to say. If the animals could talk, what would they say? Help us to live, we wish to stay. If animals having mouth to talk, what they used to say? Help us and not to wish to stay. For example, if all the animals are there and the forest is there,
help us to live, we wish to say. If the earth would talk, what would it say? Protect me by digging every day after day. Because so many members, they will dig the holes and they will burn it like that. And if the earth is having the mouth to speak, what it is used to say? Protect me by digging every day after day. Peace every day. They, all the people used to be very peace and in the polite way. This is about the beginning poem. If a tree could talk, all we have in this life, if all the things they used to talk, they used to do the give the reply like this. And after finishing this period,